मैहर से एक मामला सामने आया है जिसमें सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत बंद न करने पर पुलिस कर्मियों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पीटा, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। मामला मैहर जिले के ताला थाना अंतर्गत ग्राम कोतर का है, जहां किसी समस्या को लेकर विनोद सिंह नामक शख्स ने ताला थाने में शिकायत की थी। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर बदले की कार्रवाई करते हुए युवक की पिकअप ताला थाने में पुलिस ने खड़ी करवा दी और विनोद को थाने बुलाए। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो 4 पुलिसकर्मी आए और उसमें से 3 लोगों ने व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी आंख में चोट आई है। पीड़ित ने मारपीट की शिकायत ताला थाने में की, लेकिन पुलिस ने आवेदन भी नहीं लिया। पुलिस की मारपीट से पीड़ित की आंख और हाथ पैर तथा पीठ में चोट आई है। इसके बाद बुधवार को पीड़ित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाने पहुंचा। पीड़ित ने मारपीट के आरोप 3 पुलिसकर्मियों पर लगाए हैं। पीड़ित की माने तो पुलिस बोलेरो वाहन से आई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि एसआई ने मना किया, इसके बावजूद भी आरक्षक अनिल सिंह परिहार, राकेश पटेल और जितेंद्र दुबे ने उसके साथ जमकर गाली गलौज के बाद मारपीट भी कर दी। 3 लोगों ने मारा, 4 लोग थे। कौन कौन थे लोग जो मारे? अनिल सिंह, राकेश सिंह, जितेंद्र द्विवेदी, ठाकुरिया साहब बैठे थे साहब, वो मना कर रहे थे ठाकुरिया साहब, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। कारण क्या था मारने का? 181 थी उसमें तो जबरदस्ती बोले आज माधव चौक फंसा मेरे को, आज इसको कोर्ट लेते हैं जी भर के। आपको लात घूसा कहाँ कहाँ लगाया? ये हाथ में लगा है, इधर यहाँ भी लगा है, पीछे भी लगा सर, ये पैर में भी लगा है, आंख में तो लगा ही है सर। काहे से आए थे मारने वाले पुलिस वाले? फोर व्हीलर से, बोलेरो। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। किस गांव के रहने वाले? कोतर।